मुझसे टकराने की ताकत आज तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। मैंने अपने पूरे जिंदगी में तुम्हारी जैसी बेवफा औरत अभी तक नहीं देखी। अरे वाह, अगर मैं बेवफा हूँ तो तुम भी कहीं दूध के धुले नहीं हो, समझे? बेवफा कहीं के? ए, तुम बेवफा? तुम। अरे आर्डर आर्डर आर्डर। अरे क्या हो रहा है ये? अरे आप लोग कोर्ट में आए हो कि जंग के मैदान में? और मैं आपको एक बात बता दूं, अदालत में चीखना चिल्लाना सख्त से सख्त मना है। क्या बना है? अरे अभी लियो, इनको मना और बना में कुछ अंतर ही नहीं है। भांग पी के आए हो का? नहीं तो क्यों? अरे यार बना नहीं मना है, मना चीखना चिल्लाना मना है। अरे भाई जब मना है तो आप क्या चिल्ला रहे हो? ए इधर देखो, हमसे ज्यादा चूचबड़ मत करना, हम लबर सबर वाले आदमी नहीं है, समझे? लीपा पोती करके जिंदगी भर के लिए अंदर करवा दूंगा, नहीं तो जहाँ खड़े हो ना वहीं खड़े रहना काले वाला लोवर पहन के। अरे अब ताको ना, वो गलती से छूट गया। गलती से? हाँ किसके तरफ से ये है? हाँ किसका वकील है? अरे जस साहब, ये मेरे वकील है। इसकी वकील है, जैसा है वैसा वकील ढूंढा है। हट। और मोहतरमा जी, आपका वकील किधर है? जी वो। अरे जस साहब, हम यहाँ हैं। अरे यार वहाँ तुम क्या कर रहे हो? हाँ वहाँ इस केस लड़ोगे क्या? नहीं नहीं माय लॉर्ड, वो क्या है ना, हमारा तमाकू खत्म हो गया था तो चले गए थे लाने। अरे यार ये सब तुम लोग घर से लेके नहीं चलते हो क्या? हा? चले आएंगे झोला उठा के यहाँ। यहाँ आने के बाद कहीं कमला पसंद लाने गए हैं, कहीं तमाकू लाने गए हैं, कहीं और गए हैं, कहीं बाल कटवाने गए हैं, कोर्ट आते हैं कि जंगल में घूमने। अरे आप गुस्सा मत कीजिए, सुनाइए सुनाइए। क्या सुना है? यहाँ कोई नाच का प्रोग्राम चल रहा है क्या? गाना वाना सुनाया? वकील तुम लोग हो, सबूत अबूत तुम लोग इकट्ठा करोगे कि पहले मैं ही सुना दूं? चलो शुरू करो। हाँ तो माय लॉर्ड, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा मिस्टर लड्डू जी से। हाँ तो पूछो, कि एक दिन बाद पूछोगे? तो लड्डू जी आप ये बताइए, आप अपने बीबी से तलाक क्यों लेना चाहते हैं? जस साहब मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ। मोहतरमा जी आपके पति आपसे खुश क्यों नहीं है, क्या आप ये बता सकती हैं? अरे जस साहब हम बताते हैं ना आपको। काहे भाई काहे, तुम काहे बताओगे? तुम मोहतरमा हो? नहीं हो, दरअसल मिसिस काजल जी का कहना है कि उनसे पूरा मोहल्ला खुश है, बस यही नखरे कर रहे हैं। अरे वकील जी क्या बोल रहे, पगला गए हो का? अरे क्या हुआ, गलत बोल दिए का? जस साहब जिस आदमी की दूसरी औरतों के साथ चक्कर हो वो अपनी बीवी से कैसे खुश रह सकता है, अब आप ही बताइए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बिना किसी सबूत और गवाह के मेरे मुवक्किल को दोषी नहीं ठहरा सकते। अरे वो वकील क्या बोल रहे, वहाँ ये दूसरे औरतों के साथ गुलछरे उड़ा सकते हैं और हम कह भी नहीं सकते ना? हाँ हाँ सब गलती मैंने ही किया, तुमसे तो कुछ गलती नहीं हुआ ना? कौन सी गलती, कैसी गलती है? मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ, समझे? हाँ तो मैं भी तुम्हारे तरह नहीं हूँ, समझी? एक बात तू समझ ले, अगर तू गलती करेगी ना मैं भी करूँगा। हाँ तो करो ना, अभी तक कर ही तो रहे हो। आर्डर आर्डर। अरे तुम लोग फिर शुरू हो गए। मोहतरमा जी देखिए, ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिससे साबित हो पाए कि आपके पति का चक्कर दूसरे औरतों के साथ चल रहा है? माय बाप, मिसेस काजल जी का कहना है कि कल रात 12 बजे इनके पड़ोसन का पति इनके पति का शर्ट पहन के आया था। अरे वकील जी क्या बोल रहे हो, पगला गए हो का? अरे क्या हुआ, ज्यादा बोल दिया क्या? माय लॉर्ड, अब आप इनकी बातें सुन के समझ गए होंगे
कि किसका चक्कर किसके साथ है। हाँ तो मोहतरमा जी, क्या ये तुम्हारा सच में कहना है कि कल रात तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पति का सेट पहन के आया था? अरे जज साहब, ऐसा मैंने कब कहा? मोहतरमा जी, आपका वकील ही तो कह रहा है। जज साहब, अरे फालतू की बातें छोड़ो, मुझे कैसे भी करके आज अपने बीवी से तलाक किसी भी हालत में चाहिए तो चाहिए। अबे तेरी तो तलाक मांग रहा कि हफ्ता, खड़े रहो वहीं। हाँ तो मिस्टर लड्डू जी, आप ये बताइए, आपको इतनी जल्दी क्यों है तलाक लेने की? मुझे जल्दी इसलिए है क्योंकि मैं जान गया हूँ इसकी सब करतूतें। ये मुझसे पिछले 6 महीनों से बात नहीं कर रही है। अरे यार, इसे तो और खुश होना चाहिए। ए इधर देखो, एक बार और सोच लो, ऐसी बीवी बार बार नहीं मिलती। अरे जस साहब, ऐसी बीवी मुझे चाहिए भी नहीं जो दूसरों के साथ रंग रैलियां मनाए। चल हट। बातें देखो, बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ठंडा पानी भी फूक फूक के पीते हैं। तुम ना शैतान के नाना हो नाना, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझे? चलो बताओ कौन सा पड़ोसन के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। छी 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 छी, अरे तुम इतनी गंदी बात सोच कैसे सकती हो? हाँ हाँ हाँ, तुम कर तो मजे से सकते हो लेकिन मैं बोल भी नहीं सकती ना। देख लो जस साहब, अब आप इंसाफ करो। अरे जस साहब, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है, और अगर गलती से कर भी दिया होता ना तो बहुत अच्छा किया होता। तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहिए। हे इधर देखो, तुम मुझे खरीद के नहीं लाए हो समझे, जो तुम्हारे रोज रोज रंग रलिए देखूंगी। यस साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। अरे ऐसे कैसे बिना सबूत और गवाह के इंसाफ हो जाएगा? ना तो उसके पास सबूत है ना तुम्हारे पास गवाह, ऐसे कैसे फैसला कर दे? यस साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ओ इंसाफ चाहिए। यस साहब, देख लो देख लो, फिर कहना मत कि मारपीट अदालत में अलाउड नहीं है। क्या मारपीट? चल हट हट। अरे तेरी तो रुक, तेरा तलाक से तेल अभी निकाल देती हूँ।